जितनी आप प्यारी है ना, आपकी बातें भी उतनी प्यारी। तो मैं आपको कह रहा था कि कौन हो भाई बरखुरदार, बात कर रहे हैं ना? कौन हो भाई? कौन है ये? ओ बाबा, कैसे आने थी ना पास। ओ तो आप हैं वो? हाँ, तो तुम वो सुलेमान साहब के दूर के रिश्तेदार। क्या नाम था तुम्हारा? फजल बख्श। इतनी भी दूर का रिश्तेदार नहीं हूँ। शिप्रा बताओ ना, कौन हूँ मैं? हाँ, दूर के रिश्तेदार तो नहीं है बिल्कुल भी। आपको पता है, फजल बख्श को ना बहुत अच्छी केमिस्ट्री आती है, बहुत अच्छा हाथ देखना आता है। ऐसे हाथ दिखाएं। एक्चुअली मैं इन सब चीजों पे बिल्कुल यकीन नहीं। कैसी बात कर रहे हो? मोहब्बत करते हो यार, तो हाथ नहीं पड़वाओगे अपना यार? प्लीज मैं तो बिलीव करती हूँ ना, मेरे लिए दिखा दें, दिखा दें। चले ठीक है, आप इतना प्यार कर रही हैं तो वो क्या है, मैं आपकी किसी भी बात को मना नहीं कर सकता। तो फजल बख्श देखो और बताओ, क्या कुदरत ने उसे मेरे लिए चुन लिया? उसकी मैं ख्वाहिश रखता हूँ। भी आपके हाथ देख के बताते हैं कि आपकी कुदरत में कितना दम है। आहिस्ता। ओह, ब्रदर आपका नाम क्या है यार? फरहाद कुरैशी। अरे यार, नाम तो बड़ा फिल्मी और रोमांटिक है। एक प्रॉब्लम है, मसला है। मसला? वो क्या? फरहाद नाम रखने से शीरीनी मिल जाती। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तो मैं शीरीन आपकी किसी लड़की से प्यार ही नहीं करता ना। हाँ, मगर भाई आपकी हाथ की लकीरों में है। मेरे दादा कहा करते थे, हाथ की लकीर में इंसान का सब पता चल जाता है। वो एक वार्निंग है, काफी अलार्मिंग भी हो सकती है। वो क्या? आपके हाथ में शादी की लकीर है ही नहीं। देखो। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ यार, कुछ नहीं आता मुझे, खेल रहा था आपके साथ। बड़ी मजा आई हो। वो सब तो ठीक है फजल बख्श, लेकिन क्या है, तुम जैसे नाकाम लोगों के मजाक करना मुझे हंसी नहीं आती। देखा, हंसी नहीं आती है ना? अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है तुम्हारा फजल बख्श। क्या लेकर आऊँ आपके लिए? चाय, पानी, खाना? चीनी को छोड़ के बुला रही है तुम्हें। जा रही हूँ।